जय हिंद दोस्तों। एक विदेशी महिला मीरा रोड पुलिस स्टेशन के हद में करीबन $2400, जिसकी कीमत इंडियन रुपीज में होगी 2 लाख रुपए, वो एक ऑटो रिक्शा में भूल जाती है। वो पहले कोशिश करती है कि वो ही ढूंढ ले, लेकिन असफल होने के बाद वो मीरा रोड पुलिस स्टेशन जाती है और मीरा रोड पुलिस उस रिक्शे को ट्रेस कर 8 घंटे के अंदर ही वो महिला को उसके पैसे लौटा देती है। वो महिला यहाँ पर मतलब इंडिया में इलाज के लिए आई थी और वो पैसे भूल जाती है और मीरा रोड पुलिस वो पैसे को ट्रेस कर 8 घंटे के अंदर महिला को लौटा देती है। तो मैं मीरा रोड पुलिस की सराहना करूंगा इस कार्य के लिए। तो ये है मीरा भाईंदर मुंबई से जुड़ी पहली बड़ी खबर। मैं आपको दूसरी खबर बता देता हूँ। दूसरी खबर ये है कि मीरा रोड स्टेशन पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो नशे में धुत था, वो स्टेशन के अंदर अपनी रिक्शा चढ़ा देता है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। तीसरी खबर ये है कि एमएलए गीता जैन ने आज तेंबा हॉस्पिटल में एक बैठक ली, तेंबा हॉस्पिटल के विषय के संबंध में, वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ क्या सुधार लाया जा सकता है, इसके संबंध में एक बैठक ली तेंबा हॉस्पिटल में, जो कि मीरा भाईंदर का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। चौथी खबर यह है कि एक फेक टीसी पकड़ा गया है। वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में लोकल ट्रेन में, मुंबई लोकल ट्रेन में चेकिंग कर रहा था और उसे पकड़ा गया है। उसे सेंट्रल रेलवे की लाइन में पकड़ा गया था टिकट चेक करते हुए। पांचवी खबर यह है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया, जो कि ऑपोजिशन का अलायंस है, उसकी बैठक होने वाली है और ऐसा बताया जा रहा है कि उस बैठक में इंडिया अलायंस के झंडे का अनावरण हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी मुंबई मीरा भाईंदर से जुड़ी आज की 5 बड़ी खबरें। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।